पंजाब सहारा समाचार की टीम की तरफ से जब सिविल अस्पताल पठानकोट की सस्ती रसोई का दौरा किया गया तो लोगों ने उसे बताया कि यह एक बढ़िया कदम है। सिविल अस्पताल पठानकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर विकास मंच पठानकोट की ओर से अन्य समाज सेवी संस्थाओं के साथ पिछले कुछ दिनों पहले से पंजाब सरकार की ओर से एक नई स्कीम को उजागर किया गया था, जिसे सस्ती रसोई का नाम दिया गया था, जिसके तहत पठानकोट के सिविल अस्पताल में भी सस्ती रसोई शुरू कर लोगों को एक नई सौगात दी गई, जिससे लोगों ने सरकार की तरफ से इस कदम को सराहनीय बताया। कहा कि सिविल अस्पताल में इस स्कीम को लेकर लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा है, जिसमें मरीजों को साफ और स्वच्छ खाना खाने को मिल रहा है। ऐसे में सस्ती रसोई में जब खाना खाने आए लोग से पंजाब सहारा समाचार टीम की ओर से पूछा गया कि आपको इस सस्ती रसोई में खाने के लिए खाना किस तरह का कैसा मिल रहा है, तो उन लोगों ने बताते हुए कहा कि यह एक बहुत ही बढ़िया कार्य है। ऐसे में जो गरीब लोग अपने मरीज या मरीज के साथ आए हुए हैं, पारिवारिक मेंबर जो कि बाहर का महंगा खाना खाने में असमर्थ हैं, जिनके पास पैसे करीब 100 रुपये का खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा काम है। रोटी कितनी लगी है? रोटी बहुत सोनी है, 10 रुपये की तो सब्जी भी नहीं मिलती, कड़ी रोटी सोनी, चौल सब्जी दाल बहुत सोनी बनती है। ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ 50-60 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਭਾਈ।